कोरोना के संकट के बीच भी सियासत अपने पूरे परवान पर है। पहले बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच तनातनी के बाद अब बिहार सरकार और राजस्थान सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोपों की जंग छिड़ गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं, राजस्थान सरकार ने पैसों की डिमांड नहीं की है। बिहार में चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसी के चलते नीतीश सरकार राजनीति फिलहाल कर रही है। खाचरियावास ने कहा कि पहले नीतीश सरकार राजस्थान में रह रहे बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेने के लिए तैयार नहीं थी। जब कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया तो चुनाव में नुकसान के डर से नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया। दुख इस बात का है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिहार में चुनाव आ गए, चुनाव से डर वाजिब है, लेकिन चुनाव मुद्दों पर और अपने काम पर लड़ा जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार छात्रों को और मजदूरों को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहली सरकार थी देश में जब भारत सरकार का भी विरोध कर रहे थे आप, राज्यों की सरकारें सब छात्रों को ले रही थी, मजदूरों को ले रही थी, लेने जा रही थी, सब अपना काम कर रहे थे। तब आपने साफ मना कर दिया कि हम मजदूरों को छात्रों को नहीं लेंगे। कोटा के छात्रों ने आंदोलन कर दिया आपके खिलाफ, मजदूरों ने आपके खिलाफ आंदोलन कर दिया, आप उस आंदोलन से डर गए और डर कर बाद में आपको आपके मुख्यमंत्री जी को ये बयान डालना पड़ा। टीवी पर आपने विज्ञापन दिए, अब हम जो भी मजदूर आएगा उसको 1000 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, उसका सम्मान करेंगे। फिर आपने राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट की, बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, हम हमारे बच्चों को लेने के लिए आएंगे, हमारे खर्चे पर लेने के लिए आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बिहार सरकार हो, सबकी ये रिक्वेस्ट थी कि हम हमारे बच्चों को खुद लेने के लिए आएंगे। राजस्थान की सरकार पहली सरकार है पूरे देश में जो श्रमिक बसें लगाकर बिहार यूपी सब जगह मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ने जा रहे हैं और